आप भी ज्यादातर यात्रा अगर फ्लाइट से करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। फ्लाइट में यात्रा करते टाइम खाने में गड़बड़ी या फिर फ्लाइट के अंदर झगड़े की खबर तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इंडिगो फ्लाइट में ट्रैवल करते समय एक व्यक्ति ने खाना ऑर्डर किया। जब उन्होंने खाने का पैकेट खोला तो वो दंग रह गए। उनके खाने के पैकेट में कॉकरोच दौड़ लगा रहा था। ये देखकर व्यक्ति को काफी गुस्सा आया। फौरन उन्होंने स्टाफ को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पैसेंजर ने दौड़ते हुए कॉकरोच की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक नोट लिखा। सुदीप्तो चौधरी नाम के ये पैसेंजर लिखते हैं, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5301 में उसने जैसे ही खाने के लिए ट्रे टेबल खोला, वहां कॉकरोच घूमता दिखाई दिया। ये फ्लाइट की बेहद ही दुखद सर्विस है जहां साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया। भारत की सबसे मुनाफे वाली एयर कैरियर इंडिगो एयरलाइंस ने मुझे खाना परोसा और तुरंत कॉकरोच दिखाई दिया और उसने मुझे काट भी लिया। ये वही एयरलाइंस है जो उड़ान में देरी या रद्द होने पर कभी माफी नहीं मांगती है। सामान ज्यादा हो जाए तो जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब वे कई बार मुझसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बिल्कुल अनहेल्दी और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मुंबई से थाईलैंड जा रही एक फ्लाइट में निकोल सोलंकी नाम के व्यक्ति के खाने में कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया था। साथ ही म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने पिछले साल अक्टूबर में ट्वीट किया था कि उन्होंने पटना से नई दिल्ली की उड़ान के दौरान इंडिगो की फ्लाइट में एक कॉकरोच देखा था। इसके बाद एयरलाइन ने केज से माफी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।